हिमाचल में रविवार रात मूसलाधार बारिश ने खूब कहर बरपाया। चंबा नदी के दुर्गम क्षेत्र सलूनी में एक जगह बादल फटनी और दो अन्य स्थानों पर मूसलाधार बारिश के बाद भूस्खलन की चपेट में आने से बधुगा गांव में 15 साल के विजय कुमार की मौत हो गई है, जबकि एक घायल है। सलूनी के ही कंदवारा में बाढ़ से एक दर्जन घरों, एक दुकान, 5 गौशालाएं और 2 पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। कई ग्रामीणों की फसलों व जमीन को भी नुकसान हुआ है। कियार में बादल फटने के बाद 10 गाड़ियां बलबे भी दब गई, जबकि 3 घाट और 3 पुल को नुकसान पहुंचा है। कुल मिलाकर चंबा की सलूनी में एक मौत, 2 घायल और 15 घरों, 6 ग्राट, 5 गौशालाएं और 5 पुल को नुकसान हुआ है। चंबा के सलूनी में भारी बारिश के 5/24 पेयजल योजनाएं ठप हो गई है। इससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं किन्नौर के भावास नगर में भूस्खलन के बाद नेशनल हाईवे 5/2 से 2.5 घंटे तक अवरुद्ध हो गया है। लाहौल स्पीति जिला के मुख्यालय केलांग को जोड़ने वाला NH भी छतरू के पास भूस्खलन होने के बाद बंद पड़ा है। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी बीती रात बारिश के बाद 46 सड़कें और 51 बिजली के ट्रांसफार्मर है।